हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो हम घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आज उसका फोर्थ पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, उसका आंसर क्या है? प्रथम उपदेश। फिर उसके बाद करेक्ट मैच करना है, अर्थ है यहाँ पर और उसका चिन्ह है। जन्म का क्या है? कमल। प्रथम वचन का क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि का क्या है? बोध वृक्ष। और त्याग का क्या है? घोड़ा। ठीक है, थर्ड क्या है? कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह कौन सा है? कंगयूपा। वो वर्ग कौन सा है? कंगयूपा वर्ग। ठीक है, अब देखिए महाबुद्ध के संबंध में सही कथन क्या है। ठीक है, पहला क्या है? उसका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने बौद्धिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्या है? बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था किसने? शशांक ने। सेवन क्वेश्चन क्या है? प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था उसका क्या नाम था? बोधगया। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैंने इसका डिटेल वीडियो आपको बनाया हुआ है, इसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन क्या है? बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। फिर टेंथ क्या है? गौतम बुद्ध की ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसी को भी नहीं, मतलब कि अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने किसी को भी उस धर्म के नेतृत्व करने के लिए किसी को नामित नहीं किया था। तो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगली वीडियो में 10 और डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।